हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है सोल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिनको काफ़ी डाउट्स थे उनके एग्ज़ाम फॉर्म को लेके कि सर क्या एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, येस या नो, अगर करना होता है तो कैसे फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, इसके अलावा सर एग्ज़ाम सेंटर का कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर भी अपडेट दीजिए। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो भी सोल फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करता है और जिनके एग्ज़ाम मार्च में होने वाले, वैसे जो फरवरी से होंगे, फरवरी से मार्च के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके मन में सबसे ज़्यादा आ रहा होगा एग्ज़ाम फॉर्म का, प्लस आपका एग्ज़ाम सेंटर कैसे पता करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, सोल फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सोल में एडमिशन लिया है पिछले साल, तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा, जब आपने एडमिशन लिया था उसी टाइम आपने एक भारी भरकम अमाउंट, मैं भारी भरकम इसलिए कहूँगा क्योंकि 6 से 7 हज़ार रुपये काफ़ी बड़ी रकम होती है, तो आपने फीस जो पे की थी उसी फ़ी के अंदर आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड होती है। मतलब कि जब आप एडमिशन लेते हो सोल के अंदर, तो सोल के एडमिशन के टाइम ही सोल आपसे एडमिशन फ़ीस, स्टडी मटेरियल फ़ीस, क्लासेस फ़ीस, उनका जो भी प्रोसीजर है उनकी फ़ीस, सब कुछ जो फ़ीस है सारा इंक्लूड करके आपसे लिया जाता है। उसमें से एक जो हिस्सा होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 500 रुपये पर सब्जेक्ट का हिसाब से, वो जो फीस होती है एग्ज़ाम फॉर्म की भी, वो भी आपसे सोल ऑलरेडी वसूल कर चुका है। मतलब कि अब आपके पास ये नहीं है कि आप नहीं देना चाहते, मतलब सोल ने एडमिशन के टाइम पर ही आपसे फ़ीस ले ली है। अब आपके पास चॉइस ये है कि मैं एग्ज़ाम ना दूँ तो इसमें आपका घाटा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इग्नू में होता है, इग्नू में क्या होता है कि एडमिशन टाइम पर आपसे फ़ीस नहीं ली जाती, एडमिशन के बाद जब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपसे फ़ीस ली जाती है। वहाँ स्टूडेंट के पास ऑप्शन ही होता है कि अगर मैं, मान लीजिए मैं एग्ज़ाम नहीं देता तो मेरी जो अमाउंट है वो बच जाएगा। बट इस कंडीशन में अगर मैं सोल की बात करूँ तो सोल आपसे 2 कदम आगे है। सोल को पता है स्टूडेंट के सीए के एग्ज़ाम हो सकते हैं, सीएस के एग्ज़ाम हो सकते हैं, या किसी कारणवश आप एग्ज़ाम मिस कर सकते हो, तो उस कंडीशन में सोल को तो घाटा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सोल ने क्या करता है कि एडमिशन के टाइम पर ही आपसे जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस है, साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भी आपसे ले लेता है। अब आपके ऊपर है आप एग्ज़ाम दो या ना दो, क्योंकि सोल को तो उसके पैसे मिल चुके हैं, यानी कि आपको ना तो कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरना है फ़िलहाल, ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करना है, डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड आएगा और फिर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए भी स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि सर एग्ज़ाम सेंटर का कैसे पता चलेगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है कि सोल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ना तो अब आपको कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। दूसरा, एग्ज़ाम सेंटर क्या आपका स्टडी सेंटर ही एग्ज़ाम सेंटर होगा? तो मेरा जवाब है नहीं। होगा ये कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी एडमिट कार्ड पर जो भी आपका कॉलेज की जो एड्रेस रहेंगे, जो भी एग्ज़ाम सेंटर का कॉलेज रहेगा, वो पूरा एड्रेस आपके एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी। तो एग्ज़ाम सेंटर का पता तभी पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फिलहाल एग्ज़ाम सेंटर के लिए भी आपको वेट करना होगा एडमिट कार्ड का, और एग्ज़ाम फॉर्म आपको नहीं भरना है। तो ये थी दोनों डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी, और बाकी और कोई अपडेट होगी ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए वैसे नहीं, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।